हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय विमलेश पूजा चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, इस गर्मी का मज़ा ले रहे होंगे। तो मैं अभी तक नीचे थी, कपड़े की सिलाई कर रही थी, जहाँ पे कपड़े की सिलाई करती हूँ तो गार्डन में, और ऊपर आई तो मुझे एक चीज़ दिखे, तो आप लोगों के साथ शेयर करना था। अभी दिन है और दिन में रात की चीज़ें दिखाई दे रही है, तो आप लोग भी देखिए कि ये कैसे, जो रात को छोटे छोटे से कीड़े होते हैं ना, वो दिन में ही इतने सारे बाहर लगे हुए दीवारों पे, आप लोगों को दिखा रही हूँ, बहुत ज़्यादा हो रखा है यहाँ पे। पता नहीं क्यों ऐसा दिन में इतना सारा कीड़ा लगा हुआ है, आप लोग दिखाती हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, और क्या ऐसा बाहर भी ऐसे उड़ रहे हैं और अंदर भी ऐसे उड़ ही जा रहा है, अंदर मतलब कमरे के पास, दिखाती हूँ आप लोगों को बैक कैमरे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये रात को जो कीड़े होते हैं छोटे छोटे से, वो दिन में ही इतनी सारी दीवारों पे लगी हुई है, देखो काफ़ी सारी उड़ भी रही है और दीवारों पे बहुत सारी ऐसे लगी हुई है, आप लोग दिख रहे होंगे छोटे छोटे से कीड़े हैं, और ये उड़ भी रहे हैं और हर जगह दीवारों पे लगा हुआ है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर दीवारों पर ना लगा हो, ये उड़ रहे हैं और दीवारों पर चिपके हुए हैं ऊपर तक, वही हाल है हर जगह, छोटे छोटे से कीड़े जो है हर जगह उड़ रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये रात को तो निकलते हैं, रात में तो देखा लेकिन दिन में कभी नहीं देखा, ये आज दिन में भी काफ़ी सारे उड़ रहे हैं। और तो यहाँ पे हमारे बालकनी में जब फूल पौधे लगे हुए, और ये आप क्या चीज़ है आप लोग जरूर कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है, और देखती कौन कौन बता पाता है। अगर कमेंट में आप लोगों ने बता दिया तो फिर अच्छा है, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगी ये क्या चीज़ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग देख लीजिए अच्छे से ये किस चीज़ का पौधा है, ना इसमें फूल आते हैं ना ही कुछ नहीं, बस ये ऐसे हरे हरे रहते हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताना ये क्या है। और तुलसी दो लगाई हुई है, देखो एक बड़े गमले में एक छोटे गमले में, क्योंकि तुलसी की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है मुझे। ठीक है, और यहाँ पर देखो नीम का पौधा है, नीम की पूजा करती हूँ ना मैं, मतलब माता रानी को जल चढ़ाती हूँ नीम के, सप्तमी का व्रत था तो इसलिए नीम भी लगी हुई है यहाँ पे। और ये है हमारा मनी प्लांट जो सूख चुका था, फिर से हरा भरा हो गया है। ठीक है, यहाँ पे यही सारी चीज़ें रखे हुए पौधे थोड़े से, और यहाँ पे मेरा बर्तन रखा हुआ धोने के लिए, तो आप लोगों को मैंने अच्छे से दिखाया नहीं था उस दिन वीडियो में, मतलब बर्तन ये जो सिंक मैंने बनाया है जुगाड़ करके, यहीं पर हैंड वॉश भी मैंने हैंग कर दिया है। तो ये देखिए आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखो ये टूंटी लगी है और यहाँ से ये पाइप लगी हुई है, देखो दो पाइप है आगे नीचे, आपको दिखाती हूँ यहाँ पे दो पाइप है, दिख रहा होगा आपको दो पाइप यहाँ पे, तो एक पाइप नीचे से ऐसे लगा रखा, तो आपको अच्छे से दिखाती हूँ बाहर से। तो ये देखिए ये पाइप गई हुई है, ये पाइप गई है एक पानी की और एक गंदे पानी की, एक मतलब साफ़ पानी आता है पीने वाला और एक में ये जो सिंक लगा उसका पानी नीचे जाता है। तो नीचे मैंने जो है यहाँ पे अंदर नीचे बाथरूम में जो गटर है उसके अंदर फिट कर दिया है गंदे पानी का, और ताज़े पानी का भी आप लोगों को दिखाती हूँ कैसे किया है मैंने, जो दिख रहे हो आप लोग। तो ये पाइप ऊपर से आई, कितने सारे होल्डर इसमें लगे हुए, और ये बाथरूम में आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखिए ये टूंटी बाथरूम की है, तो ये पानी की टूंटी है साफ पानी के, गंदा पानी हमारे यहाँ नहीं आता बिल्कुल भी, कि आप लोग सोचो ये बाथरूम का टूंटी इसमें ज्वाइंट कर रखा है, तो हर जगह वही पानी का टूंटी जाता है, टोल में जो है ज्वाइंट वही हुआ, एक ही पानी की होती है पाइप। तो ये देखिए ये लगाया हुआ है ये पाइप, और आप लोग दिखाती हूँ नीचे से, तो ये देखिए कितने सारे ज्वाइंट हुए, ये खुद हमने किया है, मेरे हस्बैंड ने खुद किया, कोई प्लम्बर नहीं बुलाया गया था, तो ये देखिए प्लम्बर के बिना हम लोगों ने किया है। और ये पाइप से ज्वाइंट बहुत ही अच्छे से हो जाते हैं, ये 1200 की एक पाइप आती है, तो और ये देखिए गंदे पानी की ये वाली जो नीली वाली पाइप लगाई है, ये गंदे पानी की पाइप लगा रखी है, तो ये पाइप का पानी ये देखो इसमें जाता है गंदा पानी, इसी के अंदर का रखा है, तो इसमें ये पाइप लगी हुई है गंदे पानी की, और ये देखिए यहाँ से ज्वाइंट कर रखा है साफ पानी की पाइप, ये देखो ये जो पाइप है ये देखो ये पाइप अंदर को गई है, और यहाँ पे हमने छेद कर रखा है सीमेंट से, बंद कर दिया गया है और बहुत ही अच्छा सा हमारा बन गया है।
सिर्फ पानी का कनेक्शन का जगह चाहिए। और दोपहर हो चुकी है, 12 बज चुके हैं शायद, बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है। 12 बजे बच्चे तो स्कूल में हैं और बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी है, पूछो मत, बहुत ज़्यादा आजकल गर्मी पड़ी है। आप लोग तस्वीर देख सकते हो कि नीचे से मैं आ रही, कपड़े धो के डाल, मतलब धुले थे, सिर्फ डालना था, और अंदर देखो कीड़े आगे लगते ये, और पर्दे बंद कर देती हूँ और जो है थोड़ा सा पानी वगैरह पीऊँगी, उसके बाद भोग बनाना है मुझे खाना के लिए। 1 बज गए या भगवान। तो फ्रेंड्स घड़ी में 1 बज रहे हैं, आपको घड़ी दिखती होगी, टाइम हो रहा है 1 बज चुका है। चल रही भोग बनाने क्योंकि लेट हो गई, मैं नीचे थी और वीडियो पोस्ट कर दिया, तो प्लीज़ आप लोग वॉच जरूर कीजिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, तो लाइक बहुत ही कम आ रहे हैं, और कमेंट जरूर करना जिससे मुझे ये पता चले कि कहाँ कहाँ से कौन कौन वीडियो देख रहा है, कमेंट जरूर किया करो, और कहाँ से देख रहे हो ये भी देख क्या करो। ठीक है फ्रेंड, जा रही पानी पीने, तो ये भी प्रसाद है, कहाँ का प्रसाद ही है ये भी, वही मैं खा रही हूँ, तो आप लोग भी आ जाइए खा लीजिए, लोग आप लोग खा लीजिए प्रसाद। ठीक है फ्रेंड, पहले पानी पी लेती हूँ मैं, चलिए फ्रेंड बाद में मिलती हूँ। बुटीक से आ गए और बच्चे ट्यूशन से आ गए। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि इतनी जल्दी बुटीक से कैसे आ जाती हैं, तो बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं आ जाती हूँ, और शाम को ही आती हूँ आजकल, क्योंकि काम कम हो रखा है गर्मी की वजह से, इसीलिए शाम को जाती हूँ और आ जाती हूँ। बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है, देखो इनकी तबीयत ठीक नहीं है, कैसे फूल मुरझा से गए हैं, और यहाँ पर हम वेट कर रहे हैं अभी किसी चीज़ का। आप लोगों को क्या बताऊँ किस चीज़ का वेट करें, तो आप लोगों को बोलूँगी नहीं, सिर्फ दिखा देती है। तो हाँ जी मैं इसका वेट कर रही हूँ, तो इसमें अभी एक बंदा गया है तो इसी का वेट कर रही हूँ मैं। हाँ जी फ़ोन चाहिए हमारे बच्चों को, फ़ोन चाहिए, अगर सेकंड हैंड फ़ोन कहीं मिल रहा है तो बता देना। मुफ्त से क्या बोलते हैं, फलाने ढिमकाने जो भी है मुफ्त में बांट रहा कोई फ़ोन, तो बताइएगा उसका नंबर, तो हम फ़ोन लेने के लिए पहुंच जाएंगे। मुफ्त फ़ोन कोई सेवा करता हो, मुफ्त फ़ोन जैसे कोई बहुत लोग सेवा करते हैं, खाने का पानी का सेवा का, पानी फ्री पिलाते हैं, खाना फ्री खिलाते हैं, दान करते हैं, तो ऐसे कोई फ़ोन भी दान कर रहा हो तो बताना, हम पहुंच जाएंगे उसके घर लेने के लिए। ठीक है फिर ओके, तो चलिए यहीं पर वीडियो का एंड करेंगे, इसके आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर किया करो, तो आप लोग लाइक करने में बहुत ही कंजूस, हाँ जी ठोक के लाइक किया करो, ठीक है, तो लाइक करने में बहुत ही ज़्यादा कंजूसी करते हो, तो प्लीज़ लाइक किया करो। और गर्मी से चेहरा गया है एकदम चिप चिप आ सा, ऐसे लग रहा है पता नहीं क्या लगा लिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बाय बाय, कल फिर मिलेंगे न्यू ब्लॉग के साथ, चलिए बाय बाय।